गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में तृतीय पाठ अपूर्व त्याग का मतलब क्या होता है, पहले तो इस शीर्षक का हम भली भांति अर्थ समझ लें। चूंकि अगर शीर्षक ही पूरे कहानी का वृतांत का केंद्र होता है, अगर हम शीर्षक से ही कुछ कहानी के वृतांत का अंदेशा लगा लेते हैं तो वह कहानी अत्यंत ही, वह शीर्षक अत्यंत ही सार्थक मानी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपूर्व का मतलब अगर आपने ऐसा कोई उपलब्धि की है जैसा कि आपने पहले कभी नहीं किया हो, जो कि अतुलनीय हो, जो कि प्रशंसनीय हो, जिसका कि ज्वलंत उदाहरण और कोई नहीं हो, उसे कहते हैं अपूर्व, अनोखा, अद्वितीय। अत्याग मने त्याग का मतलब एक कठिन, एक परिश्रम, एक महत्वपूर्ण, एक अथक यातना। किसी के प्रति अगर हम एक, जैसे देश के मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की त्याग कर देते हैं, आहुति कर देते हैं, तो ये आपका एक अद्भुत बलिदान हुआ, अद्भुत त्याग हुआ, अनोखा त्याग हुआ। लेकिन ट्रेन पकड़ने के सिलसिले में एक्सीडेंटल केस में अगर प्राणों की आहुति दे देते हैं तो यह कोई आपका त्याग नहीं हुआ। तो अपूर्व त्याग, अनोखा त्याग, जो कि अतुलनीय हो, जो कि प्रशंसनीय हो, जो कि इसके पहले इस तरह का दृष्टांत नहीं देखा गया हो, वैसे त्याग को हम लोग अपूर्व त्याग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस अध्याय में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें विशेषण और विशेष के चारों तरफ कहानी के वृतांत का उतार चढ़ाव हो रहा है। कहने का मतलब कि विशेषण और विशेष का प्रयोग इस अध्याय में किया गया है। तो भाई, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या स्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे कहते हैं विशेष्य। जैसे गाय काली है, काली आपका विशेषण, और काली गाय के संदर्भ में कही जा रही है तो वह हो गया विशेष। राम एक मेधावी छात्र है, मेधावी विशेषण, और मेधावी राम के बारे में कहा जा रहा है तो राम हो गया विशेष, राम हो गया आपका विशेष हो गया। अगर थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा जाए, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, प्रविशेषण की हम चर्चा करते हैं। तो प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बतावे, गाय काली है, काली विशेषण, गाय अत्यंत काली है, यह काली की विशेषता को बतला रहा, वह अत्यंत है, नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल काली है, तो अत्यंत हो गया प्रविशेषण। राम तेज है, तेज हो गया विशेषण, राम अत्यंत तेज है, अत्यंत मेधावी है, अत्यंत हो गया प्रविशेषण। तो डियर स्टूडेंट्स, इस अध्याय में एक त्याग का एक अनोखा दृष्टांत दिया गया है। वह त्याग, अगर सच्ची सेवा हम देश के प्रति करते हैं तो वही त्याग होता है। आपने कर्म के प्रति तन मन धन से समर्पित है, वही सच्चा देश, सच्चा देशभक्ति है। ये नहीं कि जाकर
बिना अनावश्यक रूप से बॉर्डर पर प्राणों की आहुति दे दें जबकि आपका वहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग त्याग नहीं कहेंगे। शिक्षा आप विद्यालय में अगर सही ढंग से तन मन धन से आप शिक्षक के बातों पर ध्यान देते हैं, अध्ययन अर्जित करते, वही आपका सच्ची सेवा है, सच्ची त्याग वही है। इस अध्याय में त्याग के संदर्भ में आपको ये जानकारी मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, महाराणा संगाग्राम सिंह देवलोकम अगच्छत, महाराणा संगाग्राम सिंह देवलोकम अगच्छत। देवलोकम रामम शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन, देवलोक शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन, यहाँ को छिपा हुआ है। ग्राम सिंह स्वर्ग सिधार गए, अगच्छत तो तामन औतम तो लंग लकार हुआ, गच्छ में तो कृत प्रत्यय लगा है और शुरू में लंग लकार में औ जोड़ते हैं, तो वह हो गया भूतकाल की क्रिया। जब महाराणा संगाग्राम सिंह देवलोक चले गए, स्वर्ग सिधार गए, दुनिया से चल बसे, तस्य पुत्र उदय सिंह अधुना शिशुरेव आसित, उस समय उनका बेटा जो उदय सिंह था बाल्य अवस्था में था, किशोरा भी अवस्था में नहीं था। ये बहुत चिंताजनक बात थी कि भाई राज्य अभिषेक किसे कराया जाएगा। तो राजपूत समूह का जो प्रमुख था, उसका जो अगुवाई करने वाला जो व्यक्ति प्रमुख, जिसको कि सबसे सर्वोपरि माना जाता है, तो राजपूतों में जो प्रमुख था उसने राज अभिषेकम तु अकुर्वन पर दुरस्त एक असंबंधी बनबिरह तस्य बालस्य उदय सिंहस्य संरक्षक निजुक्त। अतएव राजपूत प्रमुखा तस्य राज अभिषेक तु अकुर्वन, उदय सिंह का उसने राज अभिषेक करवाया पर दुरहस्त एक संबंधी, दूर स्थित यानी उनके कोई रिश्तेदार वनवीरह, उनके रिश्तेदार का नाम था वनवीरह, तस्य बालस्य उदय सिंहस्य संरक्षक निजुक्त। जो उनके रिश्तेदार थे वनवीर, उस बालक उदय सिंह का संरक्षक मतलब देखभाल करने वाले, पालन पोषण करने वाले, सारी व्यवस्थाएं करने वाले नियुक्त हुए। बालक निरपस्य पालन पोषणम पन्ना नामा एका धात्री करोती, बालक जो नृप बालक, उस बालक का लालन पोषण एक पन्ना नाम की दाई करती थी, धात्री, घर की देखरेख, उसका पालन पोषण, खान पान पर ध्यान एक पन्ना नाम की धात्री करती थी, करोती अस्म। अगर लट लकार के क्रिया में अंत में अस्म जोड़ देंगे तो वो भूतकाल बन जाता है, करोति अस्म। तस्य स्वपुत्र चंदना अपि सम वयः स आसीत्, तस्या स्वपुत्र चंदना अपि सम वयसः आसीत्, उसका बेटा चंदन, दाई का बेटा, धात्री का जो बेटा था चंदन, ठीक उदय सिंह के उम्र के लगभग बराबर था, जिसे राज अभिषेक किया गया था, उदय सिंह के उम्र के लगभग में बराबर था। उदय सिंह कौन था? चूंकि ग्राम सिंह के मरने के बाद जिसका राज अभिषेक किया गया, और दाई धात्री जो थी उनका जो बेटा था करीब करीब उसके उम्र के बराबर था। इत राज्य प्राप्य बनवीरस्य मनसी लोभ, राज्य प्राप्त करने के बाद बनवीर के मन में लोभ आया। लोभम पता है, लोभम लोभ जो होता है विनाश का कारण बनता है। तो बनवीर के मन में लोभ आ गया, आगच्छत आ गया। सह अचिंतयत, वह सोचा यदि उदय सिंह न भवेत तही अहम निष्कंटम राज्यम करिष्यामि, अगर उदय सिंह नहीं होता, अगर उदय सिंह भवेत, एतेता में ऊंचाइए अर्थ में, लेकिन इसका मीनिंग हम ऐसे लगाएंगे
यदि उदय सिंह नहीं होता तो निष्कंटकम राज मैं करूंगा, निष्कंटम बिना बाधा का एकदम स्वतंत्रता पूर्वक राज मैं करूंगा। तस इदम घृणित विचारम पन्ना धात्री अजानत, इस घृणित विचार, इस दुष्ट विचार के बारे में, इस नीच विचार के बारे में जो पन्ना नाम की जो धात्री थी अजानत जान गई, जो पन्ना नाम की अधात्री थी, अधात्री थी जो दाई थी, जो पालन पोषण की जिम्मेदारी जिसको दी गई थी, इस बात को वह जान गई। रात्रो यदा वनवीरा उदय सिंह मारियुतुम आगच्छत, रात में जब वनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आया, जब चूंकि उसके मन में तो लालच हो चुका था कि अगर उदय सिंह नहीं रहेगा तो मैं बेरोक टोक निष्कंटम निष्कंटक मैं राज करूंगा। पूर्व में वो पन्ना कौशलेन उदयस्य स्थाने सायाम सपुत्रम चंदनम अस्थापयतः, ये जानकारी धात्री को हो चुकी थी। जिस बिछावन पर ये उदय सिंह सोता था उस बिछावन से उदय सिंह को हटाकर अन्यत्र सोने के लिए धात्री ने भेज दिया और उस बिछावन पर अपने बेटे को स्वपुत्रम चंद्रम अस्थापयत सुला दिया। चूंकि वनवीर उसको मारने के लिए आया था कि अगर वनवीर समाप्त हो जाता है तो मैं निष्कंटम राज करूंगा, ये बात धात्री दाई जान चुकी थी। जिस रात वह मारने के लिए चाहा आया उसको जानकारी ये मिली थी, उस रात में उस उदय सिंह को हटाकर अन्यत्र सोने के लिए भेज दिया और उस बिछावन पर अपने पुत्र चंदन को सुला दी। सा उदयम एक अस्मिन करकंडे संस्थाप्य पत्रे चौह अच्छाद्य प्रसदात बही प्रेषयत रक्त पिपासु वनवीर यदा अपृच्छत कुत्र उदय पन्ना अविचलिता एव स्वपुत्र प्रति संकेतम अक्रोत अग्रे एव छने चंद्रस्य मस्तकम खड्गेन छिन्न अभवत स्वाभिमान रक्षितः पन्ना स्वसंतते उत्सर्गम अकरोत धन्या इद्रसी स्वामी भक्ति अयम अपूर्व त्यागः। रक्त पियासु रक्त का प्यासा वनवीर यदा अपृच्छत उसने जब वह पूछा कुत्र उदयः उदय कहाँ है, पन्ना अविचलिता पन्ना और पन्ना अविचलित हुई, धात्री घबराई नहीं पैसेंस में रही, धात्री घबराई नहीं अपने धैर्य को बनाए रखी। एव स्वपुत्रम प्रति संकेतम अक्रोत अपने बेटे की तरफ संकेत कर दिया, चूंकि उदय सिंह को हटा दिया था, उदय सिंह को भगा दिया था वहां से और उस उदय सिंह के बिछावन पर अपने बेटे को सुला दिया था। जब वनवीर आया पूछता है कि भाई उदय है कहाँ, तो जिस बिछावन पर चंदन सोया था धात्री का बेटा सोया था उधर संकेत करके बता दिया कि वही चंदन है। अग्रे एका छने चंद्रन से मस्तकम खड्गेन छिन्ना भवत और तलवार से क्या किया खड्ग से दो भाग कर दिया, मस्तिष्क अलग कर दिया और धड़ अलग कर दिया। स्वाभिमान रक्षितम पन्ना स्वसंतते उत्सर्गम अक्रोत धन्या इद्रिसी स्वामी भक्ति अयम अपूर्व त्याग। उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान उसने दे दिया, लेकिन उदय सिंह को बचा कर रखा बसरते कि अपने बेटे को जान गंवाना पड़ा। यह आप सोच सकते हैं कितना बड़ा, कितना अद्भुत, कितना अनोखा उस धात्री का त्याग है। इसी संदर्भ में कहा गया है अपूर्व त्याग। समय क्रमेण सह राजपुत्र उदय जुआ भूत्वा वनवीर युद्धे निहत्थे चित्तौड़ देशस्य राजा अभवत। समय का चक्र चलते रहा, अंत में जाकर जब यह व्यस्क हुआ राजपुत्र उदय जुआ भूत्वा, जब जुआ मतलब व्यस्क हुए, निहत्य चित्तौड़ देशस्य राजा अभवत। बिना निहत्य बिना लड़ाई का बिना झगड़ा का बिना युद्ध का
और चित्तौड़ देश का राजा घोषित हुए, राजा हुए बिना किसी युद्ध का, बिना किसी वार का। सह एव उदयपुरम नगरम स्थापयत, उन्होंने उदयपुर नाम का शहर जो आज के डेट में उदयपुर है, उन्हीं के नाम पर ये उदयपुर शहर पड़ा। राजस्थानस्य इतिहास पन्ना धात्र्या चिररिणी अस्थास्यति, आज भी राजस्थान में उदय सिंह के लोग इस धात्री का सदा के लिए ऋणी बने हुए हैं, सदा के लिए ऋणी बने हुए वहाँ भी आज भी लोग इस प्रकार से। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा 20 चैप्टर समाप्त हो गया और नेक्स्ट डे इसका हम प्रश्न उत्तर जो सैटरडे या फ्राइडे को टेस्ट होगा पुनः मैं इसी से पूछूंगा। थैंक यू वेरी मच।